अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला करे आप सभी को आज की वीडियो में आगाज जी। ये सच है, इमरान खान अरेस्ट हो गया, रेंज ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। तो जो औरों की गिरफ्तारी करवाते थे तो साहब उनको भी किसी ने गिरफ्तार करना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों का क्या कसूर है जो कहीं गए हुए हैं या आ रहे थे या जा रहे थे, ये रास्ते बंद कर लेना, ब्लॉक कर लेना। पीटीआई के भले सपोर्टर हैं जो भी हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि वो आज की रिपोर्ट है ताज़ा, बिल्कुल सच है, इमरान खान रेंज ने अरेस्ट कर लिया। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कम से कम रास्ते तो खोलें। अरेस्ट इमरान खान को किया है, पब्लिक को, लोगों को, ट्रांसपोर्ट को परेशान किया जा रहा है। मेरा अपना भाई शवाक अहमद सुबह तकरीबन 11 बजे अलीपुर बस स्टॉप पर मैं छोड़ के आया हूँ, उन्होंने अलीपुर जाना था एक गिफ्ट लेने के लिए। तो किसी अजीज़ ने, उनके प्यारे रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया था तो वो लेने गए, यानी पिकअप करने गए। पास वापसी पर उनकी कॉल आई इशफाक भाई की, मेरे भाई की, कि यार ये ना रास्ता ब्लॉक कर लिया, इमरान खान अरेस्ट हो गए हैं। तो इतनी ट्रैफिक कारें, ट्रांसपोर्ट ट्रक बसें वो खड़ी हैं, उनको आगे नहीं जाने दे रही। यानी जिना दरिया चनाब पर जो पुल है वहाँ पे बस स्टॉप के लिए आगे मुल्तान की तरफ आने नहीं दिया जा रहा, ना जाने दिया जा रहा है ना आने दिया जा रहा। कम से कम मैं इसे ये कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सच है, चलो इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बाकियों का क्या कसूर है भी? जो कोई मरीज़ है, कोई रिश्तेदार मिलने जा रहा था, कोई आ रहा था, यही मजबूरियाँ होती हैं। लोगों ने मेरे किराए भर के, ट्रांसपोर्ट वालों के भी रोज़ी का सवाल, यानी कि उन्होंने किराए, पैसेंजर परेशान, उन्होंने जाना था अपने मुकाम पे, और बसों पे कोई वाशरूम वगैरह तो होता नहीं है। अब जो उन्होंने ट्रैफिक रोक लिया, छोटे बच्चे भी होंगे, लेडीज़ भी होगी, जेंट्स भी होंगे, उन बेचारों का क्या कसूर है? उन मेरी माँ बहनों का क्या कसूर है कि जिनको परेशान किया जा रहा है? गिरफ्तार इस्लामाबाद में वहाँ पर की गई है अदालत में, परेशान चौकों पर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अब जैसे अभी तो कईयों को, लाखों को पता भी नहीं होगा इस बात का, क्योंकि लाखों के क्या करोड़ों को भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकियों के पास ना टेलीविज़न है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना कहीं को चलाना नहीं आता। तो कल पता नहीं हो सक, और मुझे लगता है कल भी ये धरने और ये स्टॉप चौक बंद करेंगे, कोई पता धरने शुरू ना कर लें। तो अभी मेरे भाई अभी वहाँ से वहाँ फंसे पड़े हैं, उन्होंने रब्ता किया यार ना सिर्फ थोड़ा सा ही ज़्यादा, यानी मुल्तान में रहते हैं, तो वो अब दरिया चनाब उन्होंने मुझे लेने आ जाएंगे। वो कह रहा है कि वो पुल से आगे आने भी नहीं दे रहे बस से, यानी कि आगे भी कम अज कम किसी को जो पैदल है, पैदल तो आने दे रहे, पैदल वालों को भी नहीं आने दे रहे। वो अब खड़े हैं, परेशान हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट और अपील करूँगा हुकूमत पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट से, पाक फौज, पाक आर्मी, रेंजर और पंजाब पुलिस से, कि काइंडली इन लोगों को से खिलाफ एक्शन लें जो रास्ते बंद कर रहे हैं। रास्ते बंद करने वाली पुलिस नहीं है, रास्ते बंद करने वाले पीटीआई के सपोर्टर, इमरान खान के चाहने वाले सपोर्टर जो भी हैं, यही हैं जो, यानी कि ना वो कर रहे हैं रास्ते को ताकि बंद किया जाए, इमरान खान को रिहाई मिल जाए। वो तो गिरफ्तार हो गए, तो कब उनका यानी कि रिहाई मिलेगी? तो अब हमें नहीं पता, कम से कम पब्लिक को तो परेशान ना किया जाए। तो काइंडली ख्याल करें, क्योंकि लोगों की परेशानियों को मज़ीद ना बढ़ाएं, कि जो अपने अजीज़ औकार रिश्तेदारों से मिलने के लिए इतना लंबा सफ़र करके जो मुल्तान से अलीपुर जा रहा था, जो अलीपुर से मुल्तान आ रहा था, वो अभी भी जाम खड़े हैं ट्रैफिक वल्लो वाला, तो कितनी गलत बात है। तो ख्याल करना चाहिए, तो रास्ते अगर बंद हैं तो खोल दें, किसी परेशान ना करें, क्योंकि उनसे पूछे कि आपने कहाँ जाना, तब वो आपको बताएंगे। तो काइंडली खाने पीने की भी परेशानी होगी, इंसान वाशरूम भी जाना होता है, पानी, बच्चियाँ छोटे छोटे, कम से कम उनका तो ख्याल करें, नमाज पढ़नी होती किसी ने। तो ये जो रास्ते बंद करने किए, अल्लाह का खौफ करें, शर्म करें, तो ऐसा ना करें। अस्सलाम वालेकुम।